वो विग पहनना कैसा था कैरेक्टर से ज्यादा विक को संभालने का होमवर्क ज्यादा था एक सीन चुपचुप चुप के का जो अकेले में मैंने करने की कोशिश की वो उस समय में कर गया लेकिन अभी नहीं दोबारा कर पाया होल भी हंड्रेड में हंड्रेड मार्क्स पाई ही फिल्म है हमारे घर में हंगामा कहीं नाम सुनता हूँ तो सच में एक फिल्म का नाम जुड़ा हुआ है और हंगामा तो हम आपसे जुड़े हुए हैं लाइफ टाइम जब तक ये बॉलीवुड हंगामा है हाँ दोस्तों मैं हूं राजपाल यादव और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा विद उर्मिन आपको लगता है कि कॉमेडी सिखाई जा सकती है नहीं सिखाई जा सकती सच बात है कॉमेडी तराशी जा सकती है समझाई नहीं जा सकती क्योंकि बड़ा जीरो और हंड्रेड मार्क्स का नजरिया है इसमें तैतीस परसेंट मार्क मिलते नहीं, नहीं मिलते है। अगर कॉमेडी फिल्म देखने के बुरी है तो कसम से दस मिनट में कोई सीरियस फिल्म भले आधे घंटे देख लो कॉमेडी फिल्म आधे घंटे ज्यादा नहीं झेली जाती और अगर कॉमेडी फिल्म सच में अच्छी है तो फिर जीरो नहीं फिर हंड्रेड मार्क है फिर वो कितनी भी लंबी हो उसको कोई छोड़ता नहीं कल ही देखी मैंने कटल हाँ जी ओ माई गॉड बहुत मजा आया मुझे आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ एक तो आप हर किरदार को ऐसे निभाते हैं ना जैसे कि मतलब वो है ही आप ही हैं राजपाल यादव नजर नहीं आते हैं मुझे वो किरदार नजर आता है एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हु आर वाचिंग दिस इंटरव्यू यही मानेंगे कि आप घुल जाते हैं उसमें कैसा रहा आपके लिए कटल बहुत बहुत अमेजिंग बहुत अच्छा थैंक यू सो मच मतलब पूरी टीम को वो बिग पहनना yes, कैसा था बहुत बहुत पेनफुल था <laughs> क्योंकि इतनी गर्मी थी हर दस मिनट में उसमें ना पानी भर जाता था क्योंकि गर्मी बाहर पूरी आउटडोर हाँ. शूटिंग थी और अगर पन, अंदर पानी क्यों किधर से भी अगर हवा नहीं जाएगी जी. तो अंदर कहीं तो पानी बन जाएगा पानी बन जाएगा तो उसमें वो स्पॉट आने लगते हाँ. हैं वाइट वाइट वाइट, वाइट 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 और वो फिर तुरंत कैमरे पे तो हर एक शॉट के बाद में वो कहीं से निकाल के पानी निकालते थे फिर उसको फिर साफ होता था अब चार घंटे से ऊपर उसका उसकी लाइफ नहीं थी बिग की अच्छा। तो वो कैरेक्टर से ज्यादा बिग को संभालने का होमवर्क ज्यादा था लेकिन एक प्रोसेस जाने का वो अनुज का जो कैरेक्टर मैं अनुज आपका छोटा भाई बहुत ही आनंद आया और एक्चुअली ये कैरेक्टर मतलब पहले आ, आ, हमारी दोस्त ही है इरफान भाई के साथ भी काम किया है बहुत सारे जो मनप्रीत तो उसने फोन किया था और वो बोल रही है कि आप अच्छा तो जब राइटर अशोक मिश्रा जी उनके साथ मैंने श्याम मैनेगल साहब के साथ बहुत उनका एक नाटक था बजे ढिंडोरा और खून का रंग okay. थिएटर में किया था तो अशोक मिश्रा जी के प्रति हमारे दिल में बहुत सम्मान है एज ए राइटर तो फिर वहाँ फिर उनका बेटा डायरेक्ट कर रहा है तो उसको मनप्रीत ने जब पढ़ाई हुई फिर सानिया के साथ में दो चार रीडिंग हुई फिर धीरे धीरे मुझे पहले उन लोगों पे ये हो रहा था कि एक पत्रकार के रोल पे इतना काम कैसे कर रहा है mm -hmm. ये न्यूज ही तो पढ़वाएंगे तो ये, ये लोग बोल रहे थे कि यार ये न्यूज सिर्फ न्यूज वाला पत्रकार होता तो मैं आपको नहीं लेता राजपाल right. ये इस कहानी की जान है पत्रकार mm -hmm. तो फिर मैंने पूछा कि इसमें क्या मीडिया का आपके ऊपर भी सटायर कर रहे हैं बोले नहीं आप फिल्म तो पढ़ो मतलब सटायर फिल्म को देख के मीडिया को भी सटायर बनाओगे तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा नहीं। मीडिया इसमें एक प्रमुख अंग है जी। फिर दूसरी जब लाइन आई वो लाइन सुनी एक और उन्होंने मिश्रा जी ने मतलब पढ़ के उन्होंने जो रीडिंग कर रहे थे कि हम अ, अरे भरोसा तो रखो मैं अ, दीदी या क्या है कि मैडम Uh, हम पत्रकार लोग ना जान दे देंगे लेकिन अपने सोर्स किसी से शेयर नहीं करते तो ये बात सच भी है एक चाहे कितना भी हो कभी भी हमने नहीं सुना कि कोई पत्रकार हमसे कह रहा हो कि वो ये एक मेरे लिए कह रहा था नहीं भले कितना अच्छा दोस्त हो तो वो एक ऑनर लगा और मैं uh, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक कॉमन मैन की भूमिका निभा पाया क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में खबरें लाना करना एक अलग स्ट्रगल है लेकिन हमारा देश जो है अस्सी परसेंट गाँवों में रहता है ब्लॉकों में रहता है तहसीलों में रहता है और उस छोटी छोटी घटनाएं ऐसी डेली थाने में पहुंचती हैं कि देखिए साहब आप आज हमारे दो बोरे गेहूं चोरी हो गए ये रिपोर्ट लिखी है हमारी वो लकड़ी का कट्ठा उठा ले गए पड़ोस वाले तो ये अगर किसी गांव वाले थाने से देखेंगे जाके तो बाकायदा कोई भी शिकायत हो वो थाने तक ही जाती है दिल्कुल, दिल्कुल। तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव के छोटे छोटे शहरों में क्या पत्रकारों की संघर्ष होती है एक एक न्यूज के लिए और कितनी चुनौती होती है कि उनको सब पता हो जाता है कि कौन रॉन्ग है कौन सही है अब इसके बारे में लिखूं तो ये मतलब जिंदगी भर की बुराई क्यों इधर रहना है इसके बारे में गलत लिखू तो ये बुराई तो दोनों तरफ की बुराइयों का बोझ लेके और फिर भी उसमें न्याय के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना या अपना वजूद बचा लेना तो आई थिंक आप अगर जाओगे तो देश में मुझे ये पता नहीं लेकिन सत्तर परसेंट अनुज ही रहते हैं जो है। जो मतलब रोज खून पसीना जलाते हैं उस एक खबर के लिए उस एक खबर के लिए तो इसका हम बहुत सम्मान करते हैं। राजपाल जी मुझे बहुत चाहूंगी हम लोग जब पर बोर होते है न, तो एक देखते हैं, राजपाल यादव सीन्स के राजपाल यादव सीन्स फेमस सीन्स हर फिल्म के फेमस सीन्स एक साथ आप देख लेंगे यूट्यूब पर होते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे पूछू कुछ फिल्मों के नाम देती हूँ आपका फेवरेट सीन उस फिल्म में से कौन सा है मैं कत कीजिए नक्चुअली बिल्कुल गलत आदमी से पूछ रहे हो कि मैं ना, मैं ना कभी देखता हूँ कल हो ना हो का एक सीन ये मेरा पहला सवाल वही था कल हो हो और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ का मुख्य भूमिका मुश्किल है मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है जी जिंदगी क्या अपना हाँ। कल हो ना हो जी जी। वो उसका टाइटल सॉन्ग ही मुझे पूरी फिल्म की जान लगता है अंदर हाँ हमें तो लगा वो डिनर वाला सीन जब आप गुस्सा होकर बोलते हैं आंटी हमको जम दे रहा है अपनी हम जा रहे हैं मियां मिठू नहीं बनने का एक्चुअली सीन है भी वो बहुत अच्छा <laughs> <laughs> तो आपकी सीन्स की बात कर रहे हैं पूरा फिल्म बहुत कमाल की गाने बहुत अच्छा कास्ट कॉम्बिनेशन एक साथ था शाहरुख भाई सैफ और प्रीति okay. हम जया जी और दारा जी और मतलब दस बारह एक्टरों का एक कॉम्बिनेशन और उसमें ये बंदा जो आ जाता है जिसका उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है okay. लेकिन इट वाज कॉमेडी ऑफ एरर आई थिंक कॉमेडी ऑफ एरर के बहुत सारे सीन है hmm. लेकिन ये भी वन ऑफ द बेस्ट सीन है कॉमेडी ऑफ एरर का इसको अगली film, वक्त, आपका फेवरेट सीन या डायलॉग वापस कब आओगे <laughs> ये डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें सभी हाँ। कमाल के हैं हंगामा हंगामा तो खैर नीरज भोरा साहब को जितना प्रियं साहब को क्योंकि डायलॉग के मामले में उस दिन हम और परेश भाई बहुत मिस कर रहे थे नीरज भोरा जी को कि नीरज भोरा साहब की जो राइटिंग थी वो कुछ ब्लेस्ड थी और ऐसा डायलॉग कि मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो Uh, मैं, हम मंदिर के घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है ये हड़ताल कब खत्म होगी आई थिंक वो जितने अच्छे से नीरज बोरा साहब लिखा था उतने ही अच्छे से प्रियन जी ने उसको परफॉर्म करवा वो आपका दिया आपका चेहरा एट द एंड जब ये डायलॉग बोलते उसके बाद जो आपका वो वो फेस बनता है <laughs>

मुझे कट एक तो शक्ति पाजी और शहीद का हमारा तीनों का दारू पीना जी। फिर वो सवेरे सवेरे सपने की बात करना जूते जूतों का जूतों भी? जूतों का फिर कपड़ों का फिर वो मतलब ओम जी के वो लोटा पड़ना और भाग जाना या ऐसे लेकिन एक अच्छा जब अनुपम खेर साहब के असरानी जी के साथ अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था वो पैसे खोलता है कि ये पैसे मैं लाया वही बेहोश हो जाता है जो भी बस में ले <laughs> गया है जोईची 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 हाँ, वो सीन <laughs> रोटियां काटने वाला सीन लेकिन एक सीन चुप चुप के का जो अकेले में मैंने करने कोशिश की वो उस समय मैं कर गया लेकिन अभी नहीं दोबारा कर पाया और मैं आपके माध्यम से लड़कों से बोलता हूँ कि उसको जरा प्रैक्टिस करो और वो मैं भी उसके लिए स्टूडेंट बन गया कि प्रियन जी ने कहा था कि जब इसको मनोज जोशी ने थप्पड़ मारा हाँ। कि तू किसको पहचान तो वो बोलता है कि ये कौन है हाँ। तो मैं मरे हुए जीतू का लंगुटिया यार हूँ <laughs> उसके बाद में जब वो शाहिद को मतलब कि मुझे माफ कर दे सॉरी शाहिद बोलता है और मैं देखता हूँ कि ये बोला तो वो कंफ्यूज हो जाता कि इसमें रोना है कि गुस्सा होना है कि कंफ्यूज होना है या हंसना है और वो जैसे ही क्या? आ, हे, हे, <laughs> वो, वो कई बार करने की कोशिश की मैं नहीं कर पाया वो उस समय प्रियन जी के डर की वजह से कर गया था बोला <laughs> <आ>, गूंगा बोला <laughs> कि नहीं ये गूंगा तो हंगामा का है वो शाहिद कपूर करेक्ट करेक, करेक, करेक। देखो हा, कितना कंफ्यूजन हा, हाँ कि वो है, है? है? वो इमोशनल से बोले कि चार एक्सप्रेशन हर बात में अगर पिताजी डांट दें आपको तो एक, एक एक्सप्रेशन आता है ना अगर आप रॉन्ग नहीं हो तो आपको अंदर से गुस्सा आता है और अगर आप रॉन्ग हो तो आपको थोड़ा कि यार सही करें हमें डांट पड़ेगी वो सीन में ऐसा था कि ये, क्या इमोशन क्या दू इसको तो चार इमोशन वन टू थ्री फोर वन वो चार इमोशन की प्रैक्टिस कई बार हमने अकेले की लेकिन हमसे नहीं हुआ जो हुआ, वो हुआ।, वो हुआ। गया। पार्टनर पिक्चर छोटा डॉन अरे छोटा डॉन की वजह से फिजी में आई वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑफ माइ सेल्फ मैं बोल रहा था कि थैंक यू सो जन्म भी ले लूं बॉलीवुड का तो आ, इसका कर्ज नहीं लौटा सकता कि एक डॉन एक डॉन टू एक डॉन बच्चन साहब एक डॉन टू शाहरुख साहब और एक छोटा डॉन राजपाल साहब ठीक है ओके फिर हेरा फेरी इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस बड़ा मजा आया मतलब वो एक फिर हेरा फेरी का टाइटल से ही पता लगता है कि सर कॉमेडी ऑफ एरर भी हेरा फेरी और ढोल ढोल व्हाट अबाउट ढोल ढोल वाज अ बिग वन ढोल वाज बिग वन पहली बार हमारी श्रीमती को भी ढोल अच्छी लगी अच्छा फर्स्ट टाइम हाँ कि वो लोग कैनेडा में थे हाँ. और वहां पे उन्होंने देखी फिर वहां से फोन करके बताया कि नहीं बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मेरी परफॉर्मेंस में जितना क्रिटिसिज्म वाइफ की तरफ से आया तो जिस फिल्म को क्रिटिसाइज किया निगेटिव वे में उसके रिजल्ट सच में निगेटिव ही रहे क्योंकि उसका सिनेमा से कोई लेना देना नहीं वो जो बोलते ना अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा अब बुरा लगा तो क्या बुरा लगा वो नहीं अच्छा लगा तो अच्छा है और बुरा लगा तो बुरा है तो वैसे ही कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें ढोल भी हंड्रेड में हंड्रेड मार्क्स पाई हुई फिल्म है हमारे घर में तो मुझे अच्छा लगा <laughs> 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 इतनी सारी फिल्में इतनी सारी यादें एंड दिस इज नॉट डन क्योंकि और भी बहुत कुछ हो रहा है आप बहुत बिजी हैं मुश्किल से मुझे तीन महीने बाद ये इंटरव्यू मिला है और संडे को मिला है बताना चाहूंगी आ, हम बहुत दूर से आए हैं ए, भगवान में माफी मांगता बिजी मैन तो बहुत सारी चीजें हैं पाइपलाइन कौन सा प्रोजेक्ट है कि अभी तो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस आनी बाकी लेकिन मेरा ये मानना है कि ट्वेंटी तक आदमी थर्टीत तक अपने करियर की तलाश में रहता है और फिर थर्टीत टू फोर्टी फाइव ये पंद्रह साल जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता है जहाँ पे कुछ नहीं चौराहा होता है सिग्नल होते हैं गाड़ियाँ होती है, मतलब पूरा विश्व का आपका रोटी कपड़ा और मकान का विश्वविद्यालय होता है hmm. तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो 45 साल तक एक्चुअली जीवन के हर कॉर्नर से होके जीवन समझ पाता है और जो तो उसमें बोलते हैं ना अब ये आम धीरे धीरे पक रहा है तो मैं पका हुआ आम तो अपने आप को नहीं कह सकता हूँ कटहल कह सकते कटहल तो कह सकते हो <laughs> लेकिन ये है कि हॉलीवुड चाहे पांडव हो महाभारत के चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो चाहे रीजनल वुड हो पैंतालीस साल के बाद अभिनेता ईश्वर करे सब स्वस्थ रहें तो तो फिर दस बीस साल अच्छा काम कर सकता है तो मुझे लगता है कि जो अभी तक जितना भी थिएटर में लगभग तिरासी चौरासी से याद है कि जब हम नाटक कभी स्कूल में या कभी ऐसे करते थे तो ये कह सकता हूँ कि अब दस बीस परफॉर्मेंस जो लाइब्रेरी की परफॉर्मेंस करने का ड्रीम है जी। कि क्योंकि इंस्टीट्यूट से भी हूँ तो कुछ ऐसी फिल्में कर पाऊँ जिसमें जैसे मैं मेरी पत्नी और वो थी अर्ध आई लेकिन ये भी इनको मैं अपने जीवन की एक जर्नी की शुरुआत और तो सीखने का हिस्सा मानता हूँ लेकिन कुछ ऐसी परफॉर्मेंस हैं जब आप लोग पंद्रह दस पंद्रह साल आपने ही पूछा कि आपका ड्रीम रोल क्या है Hmm. आपका ड्रीम क्या है तो मुझे दस 15 साल तो सोचने में लग गया कि मेरा ड्रीम रोल क्या हो होना चाहिए क्योंकि तो फिर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे जो रोल रिलीज हो जिसमें कहना ना पड़े कि ये मेरा ड्रीम रोल है लेकिन आपको समझ में आ जाए ये वन ऑफ द ड्रीम ओ माय गॉड राजपाल जी कितना मजा आया दिस वाज वर्थ द वेट पहले तो मैं बता दूं आपको क्योंकि ये ना सिर्फ एक एंटरटेनिंग इंटरव्यू रहा है दिस वाज फुल ऑफ फिलोसफी देर वॉज सो मच ऑफ स्पोर्ट्स नहीं थैंक यू सो मच और हंगामा तो वैसे भी हमारे जीवन जब हंगामा का ही नाम सुनता हूँ तो सच में एक फिल्म का नाम जुड़ा हुआ है और हंगामा तो so, हम आपसे जुड़े हुए हैं लाइफ टाइम जब तक ये बॉलीवुड हंगामा है आप समझो हम जुड़े ही हैं क्योंकि मुझे उससे रिलेशन हंगाम, हंगामा नामक शब्द से ही मुझे एक थोड़ी मोहब्बत है क्योंकि जंगल से मुझे एज एन एक्टर स्टेब्लिश होने का मौका मिला लेकिन बिलीव करिए कि हंगामा से मुझे पॉपुलर होने का मौका मिला हाय दोस्तों मैं हूँ राजपाल यादव और आप मुझे देख रहे हो ऑन बॉलीवुड हंगामा विद उर्मिन